Good morning, everyone. There is little network issue from my side. If in case I vanish, she will help me out. I'm Amna, ma'am. And good morning and welcome to the TGS talk show. We were really looking forward to listening to you, Prateek sir. We have, allow me to introduce Prateek sir to everyone. Today, he's a very renowned personality who will share with us his success story. He's the national leader for indirect tax in PwC India Tax and regulatory services. And he leads the firm's GST practice. Mr. Prateek Jain has done his schooling from St. Xavier's, Patna. He has secured All India rank in CA entrance exam. Among the many things, he is also an exceptional stand-up comedian. We are really looking forward to this. And he's also a blogger. Excuse me, I think I've just lost. We can hear you. I've lost the thing. Am I audible? Yes, yes. Yes. You are audible. Sir, we look forward to listening to you, and thank you so much, sir, for taking out time for being with us. Okay, great. So Sudhanshu, how do you want to do this? I speak for 20 minutes or so, and then I let people to all yours, sir. All yours, sir. You say we work accordingly, sir. Not an issue. Okay. So, good morning, everyone. Thanks for getting me here. जैसे मेरे को introduce किया गया success story, ऐसा कुछ success है नहीं, frankly. आप लोग. Sir, I'm sorry. I was not able to. I don't know. I got a little thing. It's getting disconnected from my end. I don't know. It's perfectly fine, Amna ma'am. It's perfectly fine. We were able to hear you, and sir is about to take it from here. Yes, sir. So we all can hear him. So all yours, sir. No, it's a challenge. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि success story कुछ नहीं है, story जरूर है, ठीक है? तो अभी story चली रही है, ऐसा नहीं कि story का end हो गया है, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि एक story शुरू होगी और खत्म हो जाएगा, but I will try and talk about it कि भाई क्या हुआ मेरे साथ और शायद आपको कुछ उसमें से लगे कि भाई आपके लिए भी relevant है, right? ऑनलाइन बहुत मुश्किल होता है करना, और खासकर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्टेप का सेशन बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ आप पता नहीं लग पाता है कि कौन क्या कर रहा है. और मेरे से मेरा बेटा है 9th में, यहाँ पे श्रीराम स्कूल है उसमें, तो वो उसके स्कूल में टीचर को म्यूट कर देते थे बार बार. टीचर कुछ बोल रहा है आप म्यूट कर देते थे बीच में. और उसने क्या किया कि 2-3 महीने तक मेरे को अपने स्कूल में टीचर को बता के रखा कि मेरा स्पीकर काम नहीं कर रहा है अपने कंप्यूटर का, और मैम कुछ भी क्वेश्चन पूछती थी तो बोलता था मेरा स्पीकर काम ही नहीं कर रहा, आई कांट आंसर. तो फिर मेरे को 2 महीने बाद मेल आया स्कूल से कि भाई ये तो आपका बेटा ऐसे बोल रहा है कि स्पीकर काम नहीं करता है. तो मैं उसके पास गया, मैंने बोला कि भाई क्या हो रहा है, उसका नाम सोमिल है. तो मैंने बोला सोमिल क्या है, तो बोलता पापा कमाल हो गया. मैंने बोला क्या हुआ, बोला अभी अभी ठीक हुआ है, राइट? सो यू नो एंड डू ऑल दैट ऑल द टाइम. वीडियो कोई ऑन करके रखता नहीं है, कोई क्या कर रहा है वो वीडियो गेम खेलता रहता है पीछे, किसी को पता नहीं लगता. हम लोग ऑनलाइन जैसे आए कुछ कॉमेडी वॉमेडी शो करता हूँ मैं, तो उसमें भी ऐसे ही चल रहा होता है ऑनलाइन, कोई लेटा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खाना खा रहा है. तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ डिफिकल्ट. एंड मैनेजिंग, आई नो दैट मैनेजिंग किड्स इज वेरी डिफिकल्ट दीस डेज. हम लोग के जमाने में कुछ बात और होती थी. जैसे मैंने 1991 में 10th किया था सेंट जेवियर्स पटना से. तो उस समय हिंदी मीडियम स्कूल होता था सेंट जेवियर्स. I don't know how many of you know. Trinity तो English medium होगा, right, Sudhanshu? English medium होगा ना? Yes, sir. तो हिंदी medium था, तो हम लोग हिंदी medium में पढ़ते थे. हम लोग physics को भौतिकी बोलते थे, chemistry को रसायन शास्त्र बोलते थे. अब मेरे को अब realize होता है, उसमें थोड़ा complex पता था कि भाई अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं. फिर बाद में बहुत सालों तक complex रहा, फिर धीरे धीरे वो. लेकिन हमको रियलाइज होता है कि हिंदी का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है देश में यार, वो होता नहीं. अभी नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा था मैं, जोया अख्तर, उसमें ना एक डायलॉग है, बोलते हैं कि मैं आपके लिए कचौड़ी ऑर्डर करता हूँ, ठीक है,
और इंग्लिश में उसको नीचे ट्रांसलेशन लिखा था लेट मी ऑर्डर कॉटन कैंडी फॉर यू। मैंने बोला हाँ ऐसा मतलब कचौड़ी को कॉटन कैंडी कौन बोल सकता है यार, हाँ और पनीर को मफिन बोल रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने बोला कि भाई मैं तो जैन हूँ, प्रतीक जैन, मेरे लिए ना मतलब वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे लिए भगवान पहले आता है फिर पनीर आता है, और पनीर का बेइज्जती कैसे कोई कर सकता है बताओ। और मुझे लगता है कि ये जो अभी जो कोरोना वाला जो क्राइसिस चल रहा है ना उसका भी एक रीजन यही है कि कोरोना जो नाम है ना वो अंग्रेजी का नाम है, उसको हिंदी में अगर कन्वर्ट कर देना कोई तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। मैं तो एकदम आप अभी देखो कि इंडिया में ना आपको किसी को पता है ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है ब्लड प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, सर, रक्तचाप। हाँ रक्तचाप, देखो कि अब आप किसी को बोलो रक्तचाप या मतलब अगर आप एसिडिटी, एसिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं पता है किसी को? पता है एसिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? एसिडिटी को कुछ तो कुछ कुछ पेचिश या कुछ बोलते हैं, मतलब इधर खतरनाक नाम है मतलब उसका। तो अब जैसे यूएस में क्या होता है कि जब आप एक अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक वहां पे साइक्लोन आया था तो उसका नाम रखा उन्होंने कैटरीना। आप बताओ कि अगर कोई बोले कि कैटरीना इज कमिंग तो आप तो खुद खुशी हो जाओगे ना, मतलब आपको क्या ऐसा मतलब लगेगा नहीं कि भी कुछ ऐसा कुछ खतरनाक चीज है। और वेस्ट बंगाल में 2014 में एक साइक्लोन आया था उसका नाम रखा था हुड़हुड़। तो आप देखो जब वो बोलेगा कि हुड़हुड़ आ रहा है तो आप तो ऐसे भी डर जाओगे अंदर से, राइट। सो हिंदी के मैं था उस समय 10th, तो आई लेट मी स्टार्ट माई स्टोरी फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ। अभी आप लोग 10th 11th में हो सारे, है ना? तो मैंने जब 10th किया तो मैंने हालांकि 9th 10th में ना मैं एक बार बता दूं कि मेरे थोड़ी संगति खराब हो गई थी स्कूल में, तो मैंने सिगरेट विगरेट पीना शुरू कर दिया था और बियर पीना शुरू कर दिया था जब मैं 10th में था। तो ठीक है, अब मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि आप लोग करो ऐसा, मैं लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ाई को ना छोड़ा नहीं, मैंने बोला यार देखो काम करना है मतलब कुछ करना है आगे तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। और मेरे पेरेंट्स को मेरा उतना पैसा था नहीं कि भाई कुछ बिजनेस वजनेस करा देते, तो 10th कर लिया। 10th में अच्छा मार्क्स आया मेरे को, मतलब स्कूल में टॉप 3 टॉप 4 कुछ टाइप का था। तो उस समय हम लोग का सेंट जेवियर्स में क्या होता था 11th 12th नहीं होता था, आप लोग के तो स्कूल में 11th 12th भी है, तो 10th में कितना भी मार्क्स आया फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपको पता है आपके स्कूल में एडमिशन हो जाएगा 11th में। हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं, हमारे टाइम पे साइंस कॉलेज होता था। साइंस कॉलेज का नाम सुना है आपने पटना में? सुना है? हाँ प्रनील, आप कुछ गाना ना सुन रहे हो क्या? मेरे को लग रहा है गाना सुन रहे हो आप, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हो कुछ बीच बीच में। ये I was nodding to you। हाँ हाँ, समझ बेटा मेरे को, मैंने भी बहुत किया है प्रनील, कोई बात नहीं। मेरा मेरे बेटा का नाम प्रणीत है, तो मेरे को बिल्कुल बेटे वाली फीलिंग आ रही है अभी उसको। उसका भी हिस्ट्री का एग्जाम दे के आया, मैंने बोला बेटा कैसा हो गया एग्जाम? बोलता डैड हिस्ट्री इज हिस्ट्री नाउ, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तो एनीवे प्रनील, गुड गुड, आप अगर आप गाना सुन रहे तो सुनो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो 10th किया, तो उसके बाद फिर मैं साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो अब ना मेरे को साइंस में इंटरेस्ट था नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है, पहला लेसन आपके लिए कि वैसा कोई सब्जेक्ट चूज मत करो जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं हो। तो अगर माँ बाप प्रेशर डालते हैं यार कि बेटा ये कर लो बेटा वो कर लो, तो आप ये सोचना कि पहले कि भाई आपको करना है कि नहीं करना। मेरे को लगता है मैं इंजीनियर अगर बन जाता, अगर IT-VT में हो जाता मेरा, तो अगर कोई फ्लाईओवर बनाता तो एक दिन बनाता अगले दिन वो गिर जाता, मतलब ये हाल था मेरा, बिल्कुल ही जीरो था मेरा, मतलब साइंस में कोई इंटरेस्ट था नहीं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में बायोलॉजी में, लेकिन शौक था उस समय भाई। साइंस कॉलेज बहुत बड़ा नाम था, घुस गए वहाँ पे और सेंट जेवियर्स हमारा सिर्फ लड़कों का स्कूल था, तो एक ये भी इंटरेस्ट था कि वहाँ भी लड़कियाँ मिलेंगी, तो एक वो भी एक्साइटमेंट था लाइफ में। तो घुस गए 11th 12th में, 2 साल बर्बाद किया सिर्फ लड़की वड़की के चक्कर में, इधर घूमते रहे, कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर 12th के बाद क्या किया कि मतलब कि IIT का तैयारी करना है, ठीक है। उस समय क्या होता था हमारे, आपके तो आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो ना मोस्टली, सुधांशु आप लोग ये कॉमर्स का बैच है या फिर? We have a mix, sir. We have a, like 11th is from commerce and 10th is with all the subjects. Yeah. तो IIT का तैयारी करना है भाई, तो हमने बोला कि भाई मम्मी को घर में बोला कि IIT तो पटना से होता नहीं है, हमको दिल्ली भेज दो, ठीक है। तो हम लोग 4-5 दोस्त लोग मिलकर दिल्ली आ गए, दिल्ली में एक फ्लैट किराए पे लिया और फिर 1 साल तक खाली मस्ती, कुछ नहीं किया। मतलब एक लोधी रोड यहाँ पर है दिल्ली में, वहाँ पर कोचिंग करते थे हम लोग और IIT का,
और सुबह से शाम तक खाली अय्याशी और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और वहां पे क्या होता था कि हम लोगों ने एक जगह था लोधी रोड में, एक रेस्टोरेंट था वहां पे, रात में वो थाली सिस्टम होता ना कि 25 रुपए दे दीजिए, जितना खाना है खा लीजिए, ऐसा होता है। हाँ, तो हम लोग को वहां पे जाते थे हफ्ते में 2 या 3 दिन। तो हम लोग जैसे अगर मान लो वेडनेसडे को रात में खाना है, तो वेडनेसडे को ना सुबह से ही कुछ नहीं खाते थे हम, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, लंच भी नहीं करते थे कि रात में वहां जाना है। और वहां पे जाकर के हम इतना खाते थे कि वो 2-3 बार ही उसने ऑब्जर्व किया, फिर आकर के उसने हाथ जोड़ लिया हमारे सामने में, बोला कि भाई आपको ना रोटी मिलेगी लेकिन दाल नहीं मिलेगा। तो ये हाल होता था हमारा। एनी वे, 1 साल तो पूरा बर्बाद किया। उसके बाद फिर IIT में ऑब्वियसली होना नहीं था, तो हुआ भी नहीं, तो इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग। तो उसके बाद फिर हमने बोला अब क्या करें, तो मेरे को शौक चकराया कि भाई मैं ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता हूँ इंग्लिश ऑनर्स में। ठीक है, मेरे को जर्नलिस्ट बनने का शौक था, जीन्स पहन के कुर्ता पहन करके जर्नलिस्ट बन जाएंगे। और मेरे को लगता है कि अगर हम जर्नलिस्ट बन जाते ना, इफ आई वुड हैव बिकम अ जर्नलिस्ट, आई वुड बी लाइक समबडी लाइक यू नो अर्णब गोस्वामी टाइप्स, नॉट अर्णब गोस्वामी एज एन इंडिविजुअल, बट अर्णब गोस्वामी तो अलग ही हाइप पे चल रहा है, राइट? आई मीन आप लोगों को किसी को पसंद है अर्णब गोस्वामी? कोई देखता है रिपब्लिक टीवी? यस सर। अक्षत कौन देखता है? अक्षत देखता है, और कौन देखते हैं? आपको ये पता है 2019 में जब मोदी जी जीत के आए थे तो वो सनी देओल जीत रहा था उधर से, गुरदासपुर से, और ये गंदा कंफ्यूज हो गया। सनी देओल की जगह सनी लियोनी बोला उसने टीवी पे, बोला कि सनी लियोनी इज विनिंग फ्रॉम गुरदासपुर। और अभी भी वो ना 1-on-1 कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है वो मैं कभी भी रिपब्लिक, मेरी मम्मी बहुत बहुत पसंद करती है रिपब्लिक टीवी, तो जब भी जाता हूँ देखता हूँ, तो वो ना ऐसे बात कर रहा होता है जैसे टीवी पे ऐसे खुद ऐसे बात करेगा कि सलमान खान कहाँ हो तुम, सलमान खान कहाँ हो तुम, निकल के बाहर आओ, सलमान खान कहाँ हो तुम। तो मेरे को समझ नहीं आता कि आप नेशनल टीवी पे क्यों करो, आप 1-on-1 कॉन्फ्रेंस कॉल करो ना, आपको सलमान खान से बात करनी है, या संजय निरुपम तुम मेरे को पकड़ लो। अब वो बीच में कर रहा था ना संजय निरुपम, एक पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र में, कि मेरे को जेल कर दो, मेरे को जेल कर दो, और उसको नेक्स्ट डे सही में जेल हो गया। तो एनीवे, सो आई वाज सेइंग दैट आई वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट, एंड द रीजन, वन रीजन वाज दैट वहां पे जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसका इंग्लिश के प्रोफेसर बहुत क्यूट लगी मेरे को, बहुत ही बहुत क्यूट थी वो। तो मैंने बोला यार कि चलो हम ले लेते हैं एडमिशन, तो शायद दोस्ती वोस्ती हो जाए या कुछ हो जाए ऐसा, बट कुछ हुआ नहीं। Somebody had raised his hand यार, कौन था जो प्रणव आपको बोलना चाह रहे थे कुछ? नहीं, आपने म्यूट कर दिया क्या सबको? सुधांशु आई थिंक यू म्यूटेड एवरीवन यार। Sir, I was just saying that I like Republic TV because most of the times the news, except for debates and anything, most of the time the news are straight to the point, not like going round and round around the topic. Yes, sir, me also. Okay. Sir, but mostly Republic TV is, like for me, it's more of an entertainment, sir. Yeah, it is entertainment. Yes, sir. 8-9 मेरे को ये याद है जिस समय 2019 में मोदी जी जीते थे ना, उस समय अर्णब गोस्वामी पहली बारी बोला उसने नेशनल टीवी पे, उसने सारे पैनलिस्ट को उसने बोला कि आई विल लेट यू स्पीक टुडे, और मेरे तो आंखों में आंसू आ गए बिल्कुल, कि पहली बारी उसके प्रोग्राम में सारे पैनलिस्ट को बोलने का मौका मिला। तो बोलने का मौका ही नहीं देता किसी को, नहीं बोलने का मौका देता, बट हर जगह वही हाल है यार। वो US में ना फॉक्स टीवी है, वो भी वैसे ही बिल्कुल वैसे ही है, वो ट्रम्प का गुणगान गा रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि वो ट्रम्प ना मेरे को बहुत ऑनेस्ट लगता था, बिकॉज वो जब जाता था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो वो अपने ट्वीट करता था कि टुडे एट 9 o'clock आई विल बी एट फॉक्स न्यूज एंड देन ही वुड से इंजॉय। तो लोगों का एक्सपेक्टेशन रहता था कि जब ट्रम्प आएगा टीवी पे तो लोग इंजॉय करेंगे, जैसे आपने बोला एंटरटेनमेंट के लिए, बट यहाँ पर ना ऐसा अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो एनी वे, सो जर्नलिस्ट बनने का शौक चकराया मेरे को, तो मैंने एडमिशन ले लिया। फिर लेकिन फिर मेरे को लगा यार कि यार दिल्ली में रहना, कपड़ा धोना अपना, ये करना वो करना, खाने का प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा है। तो मैं लेकिन उस समय पटना गया अपना सामान लेने के लिए कि मेरे को दिल्ली जाना है कल अपना बोरिया बस्तरा लेकर के। तो वहाँ पे मेरे को एक मिल गया, वहाँ पे एक एग्जीबिशन रोड में हम रहते थे, वहाँ पे एक प्लेस कोचिंग सेंटर कॉल अग्रवाल कॉमर्स करियर, ठीक है, वो हमारे ऑफिस में उन्होंने रेंट पे जगह ली थी, तो वो कॉमर्स का
उन्होंने कोचिंग शुरू कर दी सीए वगैरह का, तो मेरे को उन्होंने बोला भाई सीए करो, बोला हाँ ये अच्छा आइडिया, क्योंकि रहने को मिलेगा पटना में और खाने पीने का दिक्कत नहीं, और तो मैंने बोला अब सीए करेंगे हम, पटना अपना दिल्ली से एडमिशन कैंसिल कराए और पटना आ गए वापस। नाउ व्हेन आई लुक बैक एट माय लाइफ आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड डिसीजन दैट आई टेकन। तो यू नो व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज इन लाइफ, आपके साथ भी होगा, आप 11th में हो 10th में हो, कोई कुछ लोग कुछ करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को इंजीनियरिंग करना है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को मेडिकल करना है, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को सीए करना है, व्हाटएवर। एंड मेनी अ टाइम्स व्हाट यू थिंक विल नॉट हैपन, हो सकता है आपने सीए का एंट्रेंस दिया उसमें नहीं हुआ, या फिर कुछ भी हो सकता है, राइट? एंड यू विल गेट वेरी कंफ्यूज एट टाइम्स, राइट, कि ये करें कि ये करें, ऐसा करें कि वैसा करें। उस समय इफ यू हैव एन ऑप्शन टू बी एट होम, इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज होम जो आपके घर का एक इकोसिस्टम होता है, जो कोई इमोशनल इकोसिस्टम होता है, माँ बाप भाई बहन, वो एक बहुत वैल्यूबल चीज है। अगर आप कोरोना के इसमें देखें तो सबसे ज्यादा लोगों को क्या बांध के रख रहा है, सबसे ज्यादा लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है, किसी को आज मेरे आई वॉज कोविड पॉजिटिव टूडे आई गॉट अ नेगेटिव रिपोर्ट, तो लास्ट 15-20 दिन से मैं अपने एक रूम में बंद था, हालांकि बड़ा मस्ती किया मैंने, नेटफ्लिक्स बहुत सारी मूवीज देखी, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन लेकिन यू नो इफ आई वॉज नॉट एट होम, अगर मैं कहीं और होता तो बहुत दिक्कत होती है इमोशनली। सो आई रियलाइज दैट्स अ गुड आइडिया, सो आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड। अब सीए मैंने स्टार्ट किया, तो सीए उस समय इंट्रेंस होता था, फाउंडेशन जिसको बोलते थे, ठीक है, अब पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इंट्रेंस था उस समय, 1995 की बात है। आई गॉट एडमिशन, आई मीन आई गॉट ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाउंडेशन, तो 38th रैंक आया मेरा, तो बहुत खुश हुआ, पेपर ऊपर में फोटो छपा, उस समय सीए कुछ कोई करता नहीं था खास, तो बहुत एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी, यार बड़ा अराइव कर गया लाइफ में, अब तो मजा ही आ गया। तो फिर सीए शुरू हुआ, उसका सीए फाउंडेशन के बाद हमने एक सीए इंटर होता था उस समय, अब उसको शायद आईपीसीसी बोलते हैं, फैमिली रोड, तो सीए इंटर का एग्जाम लिया, तो यहाँ पर बोरिंग रोड में, यानी कहाँ, श्री कृष्णापुरी में एक पी अग्रवाल एंड कंपनी थी, वहाँ पे आर्टिकलशिप की है। तो सीए में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा अगर जो सीए करना चाहते हैं, कि वहाँ पे आपको किसी फर्म के साथ आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप में क्या होता है, 3 साल का आप उस ऑफिस में काम करते हो, उस ऑफिस में काम सीखते हो, और उस ऑफिस में कहीं किसी भी कंपनी का कहीं का ऑडिट होता है, वो सब होता है, वो करते हो आप। तो वो शुरू किया, और उसके बाद फिर जब मैं फाइनल ईयर में था सीए में, 1998 की बात है, तो मैं एक ऑप्शन होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, कि आप अपना फर्म छोड़ दीजिए और किसी कंपनी में जाकर के 1 साल तक काम करिए, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो आई केम टू दिल्ली एंड आई डिड माय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अ कंपनी कॉल्ड मोटोरोला। मोटोरोला का नाम सुना है आपने, किसी ने सुना है मोटोरोला? उस समय नंबर वन मोबाइल कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, नंबर वन। उस समय नोकिया सैमसंग कुछ नहीं था, उस समय, ये 1998 की बात बता रहा हूँ, उस समय मेरे को पहला फोन मिला था नोकिया का, सॉरी मोटोरोला का, इतना बड़ा फोन था, जैसे ये फोन आप देख रहे हो ना, ये सैमसंग फोन है, इसका डबल था, इतना बड़ा, उससे मार के किसी को मर्डर कर सकते थे आप, मारते किसी को मर जाता था, ऐसा था। तो मोटोरोला में काम करना शुरू किया, उस समय बड़ा मेरे को ना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, बिकॉज हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे 12वीं तक, और बड़ा हेजिटेशन था भाई, लड़कियों से बात नहीं कर पाते थे, और कॉम्प्लेक्स था अंदर में काफी, और अंग्रेजी इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इट्स अबाउट हेजिटेशन, राइट, बिकॉज आपको एक्सपोजर नहीं मिला। तो मैं पहली बार मोटोरोला आया, मेरे को याद है 1998 में पहली बार जब ऑफिस घुसा, तो एक बार कल्चर शॉक था मेरे लिए, बहुत बड़ा कल्चर शॉक था, लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लैपटॉप्स है, फोन है, और वहाँ पे जो कैफेटेरिया था वहाँ पर आपका ये सब थम्सअप वगैरह जो है फ्री में मिलता था। तो हमने बोला यार क्या बात है, तो अराइव कर गया लाइफ में, यार फ्री में सारा थम्सअप मिल रहा है, रोज जा करके अपना दो दो तो तीन तीन चार चार थम्सअप पी रहे हैं। हमने घर में बोला कि भाई, मम्मी को फोन करके बड़ा खुश खुश बताया कि मम्मी यहाँ पे तो थम्सअप भी फ्री मिलता है, मम्मी भी बड़ी खुश हुई हमारी कि भाई मेरा बेटा तो बड़ा आदमी बन गया। तो मोटोरोला में काम करना शुरू किया, और एक तो टेक्नोलॉजी में भी हाथ बहुत तंग था मेरा, मतलब अब आप लोग ईमेल उमेल करते हो, ये करते हो, मेरे को किसी ने बोला कि भाई सेंड मी अ सॉफ्ट कॉपी, अब मेरे को पता ही नहीं था कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है। आप लोगों को पता है सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, किसी को पता है सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? हाँ, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट,
अब हमको पता नहीं था, हमको तो किसी बताया नहीं था स्कूल में कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होती है, हमको तो पता था कि कॉपी तो कॉपी होती है, तो हम बोले कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, बड़ा एम्बैरेसिंग लगा। और उसमें जैसे किसी भी आप वेबसाइट पे जाओ तो आता था दिस वेबसाइट हैज कुकीज, तो हम पहली बार किसी वेबसाइट में गए उसमें हॉटमेल होता था, गूगल भी नहीं था उस समय, तो उसमें बोला दिस वेबसाइट हैज कुकीज, विल यू एक्सेप्ट कुकीज, मैंने बोला हाँ एक्सेप्ट, तो फिर नेक्स्ट दूसरे वेबसाइट पे बोला दिस वेबसाइट हैज कुकीज, विल यू एक्सेप्ट, मैंने बोला हाँ, और हम बड़ा खुश थे यार कुकीज मिलेगा मेरे को, तो हमने डिक्शनरी में देखे कुकीज का क्या मतलब होता है, देखे कि वो तो कुकीज तो सॉफ्ट वो बिस्किट होता है, मतलब बड़ा खुश हुए, लेकिन सिलसिला चलता रहा एक हफ्ता तक, उन्होंने कुकीज तो मिल नहीं रहा है मेरे को, हम बोले कि तो बड़ा खराब बात है, तो हम मेल किए उसको उस कंपनी को भाई उस वेबसाइट को कि भाई कुकीज आप बोलते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं, आप कुकीज नहीं भेजते हमको, तो बोला कि मेरे को मेल आया, बोला कि सर आपको ना एक हमारा आपको हम अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, बोले कैसे, बोला देखिए ऐसा है, मैं बोला क्या करना पड़ेगा, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, खाली आपका हम फोटो छापेंगे और ये कुकीज वाला आप बात बोले ये छापेंगे, बोले उसके बाद, बोला उसके बाद हम एक कंप्यूटर कोर्स हम लोग शुरू किए हैं, हम बोलेंगे कि अगर हमारा कंप्यूटर कोर्स नहीं करोगे तो इनके जैसे बन जाओगे, तो मैंने बोला ठीक है गुड, ये भी बढ़िया आइडिया है, तो मेरा मतलब बहुत टेक्नोलॉजी में हाथ बहुत तंग था, बहुत बहुत हालत खराब थी, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू किया, उसके बाद मोटोरोला में लेकिन बहुत काम था बॉस, तो उसमें रात में 10-10, 11-11 बजे तक काम करते थे, उसका सीए फाइनल में जब पहुंचे नवंबर 1998 की बात है, जब सीए फाइनल में तो उसमें लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने की छुट्टी देते थे, हमको छुट्टी नहीं मिली, 2 महीने की छुट्टी मिली, पटना आए, पटना ना करके 8 पेपर तैयार करना था, तो किसी तरह से पढ़ना, और उसमें कुछ मैच पे चाह रहा था यार, उसमें 98 में वो केबल टीवी नहीं आना शुरू हुआ था, तो उसमें इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज था, तो क्रिकेट का बहुत शौक है हमको, तो अपना वो मैच भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है, वो एनीवे तो सीए मेरा हो गया, लेकिन मेरे को रैंक नहीं आया सीए फाइनल में, आई मिस माय रैंक बाय 4 मार्क्स, तो दैट इज वन थिंग व्हिच स्टिल कभी कभी लगता है हमको, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, मतलब रैंक वैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर मोटोरोला में ही मेरे को नौकरी मिल गई, मोटोरोला में ही नौकरी मिल गई, नौकरी करने लगे और चलता रहा सिलसिला। उसके बाद फिर एक मोटोरोला हम छोड़ दिए, बिकॉज क्या हो रहा था कि रात रात 10-10, 11-11 बजे तक वही जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट, हमको मजा नहीं आ रहा था एकदम। तो हम एक फर्म है अर्नस्ट एंड यंग, हैव यू हर्ड ऑफ अर्नस्ट एंड यंग एनीवन? ग्लोबली 4 अकाउंटिंग फर्म है जिसको बोलते हैं बिग 4 अकाउंटिंग फर्म, ठीक है, अर्नस्ट एंड यंग है, KPMG है, डेलॉइट है और PwC है जिसमें मैं अभी काम करता हूँ, ठीक है, प्राइस पड़ रहा है उसके ऊपर से। तो ENY ज्वाइन किया और 3-4 महीने में मेरे को ENY में भी मजा नहीं आया, तो मतलब तो कुछ और करना पड़ेगा। तो वहां पे एक उस समय एक कंपनी होती थी, फर्म होती थी आर्थर एंडरसन, वो भी बहुत बड़ी फर्म थी उस समय, तो आर्थर एंडरसन में हमको अप्लाई करना था, तो हम बोले यार कौन लेगा आर्थर एंडरसन, वो बहुत क्रीम था, मतलब जो टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं वही जाते थे आर्थर एंडरसन में, तो हम बोले यार कौन लेगा, तो चलो अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दिए, तो हमको आ गया इंटरव्यू के लिए कॉल, इंटरव्यू के लिए कॉल के लिए गए तो हम बोले कि हम तो आता ही नहीं, क्या पहन के जाए, बिकॉज हमको तो ऐसा आदत नहीं था कि भाई हमको तो शर्ट टाई वाई तो आता नहीं था, तो हम जनपथ, वहां पे जनपथ कोई गया दिल्ली का, आप लोग गए कोई, हैव यू एवर बीन टू जनपथ? तो जनपथ वहां पे एक जगह है जहाँ पे शर्ट्स मिलती है, मतलब 50-100 रुपए की शर्ट्स मिलती है, तो हम 60 रुपए की शर्ट खरीदे पहली बार, ठीक है, व्हाइट शर्ट हाफ शर्ट और टाई पतली वाली लगा करके, 1 अप्रैल 2000 को मेरा इंटरव्यू हुआ। मेरे को तब भी लग रहा था कि कोई मेरे साथ गेम खेल रहा है, अप्रैल फुल बना रहा है, ठीक है। एनी वे हम पहुंचे वहां पे, तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में बोला कि भाई आपको देख के लगता है कि आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मोटोरोला में काम कर लिए, फिर आप दूसरे फर्म में चले गए, फिर आपको क्लैरिटी नहीं लगती है। मैंने हाँ देखिए भाई क्लैरिटी तो है नहीं, वो तो सही भाई जेन्युइन बात है, क्लैरिटी नहीं है, बट आई कैन पुट माई बेस्ट, अगर आप हमको मौका देंगे तो, आप मैंने एंडरसन बहुत ड्रीम फर्म है हमारी, ठीक है, तो मिल गया, नौकरी मिल गया एंडरसन में। तो उस समय बहुत बड़ी बात होती थी उस समय आर्थर एंडरसन में, मेरी मम्मी बहुत खुशी उस समय, वो तो मेरी शादी उदी की तैयारी करने लगी कि अब शादी कर देते हैं बेटा का, उनको उनको लगता था कि वहां पर दिल्ली में पता नहीं शादी नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा इसके साथ, पता नहीं क्या करेगा ये, तो मतलब शादी का तैयारी वारी शुरू कर दी उन्होंने। तो एंडरसन में तो एक लेसन जो मेरे को लगता है मेरे लाइफ में वो ये था कि नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ। हमको अगर आज कोई पूछे कि भाई आर्थर एंडरसन में उस समय आपका हो गया, हम तो अप्लाई नहीं करते। आई मीन इफ माय मॉम वाज नॉट देयर और समवन वाज नॉट देयर हु पुश मी, तो हम अप्लाई नहीं करते। सो आपको लगता है कभी कि हम ये नहीं कर सकते,
आपको कोशिश जरूर करना चाहिए राइट अगर आपको लगता है कि यू नो दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू डोंट अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ राइट दैट इज व्हाट आई लर्नड वहां हो गया फर्स्ट ईयर बहुत मेहनत की हम बहुत मेहनत की ठीक है तो हम लोग उसमें परफॉर्मेंस रेटिंग होती थी 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होती तो वन रेटिंग आई तो मेरे को लगा कि भाई बड़ा अच्छा है डबल प्रमोशन होगा तो हमको बताया गया कि 2 साल अगर डबल प्रमोशन होगा 2 साल आपको ये रैंक आएगी मतलब 1 मिलेगा तब डबल प्रमोशन होगा 2002 में क्या हुआ फिर मेरे को 1 आया रेटिंग तो मैंने बोला कि अब डबल प्रमोशन दो हमको तो पता लगा कि आर्थर एंडरसन ग्लोबली एक स्कैंडल हुआ था एनरॉन वहां पर आर्थर एंडरसन ऑडिटर था तो ग्लोबली उसमें स्कैंडल में फंस गया और ग्लोबली एंडरसन कोलैप्स हो गया मतलब अलग अलग देश में अलग अलग जैसे इंडिया में अर्नस्ट एंड यंग ने खरीद लिया एंडरसन को मर्ज हो गया तो वो भी मेरा प्रमोशन चला गया अब मेरे साथ ये बहुत बात ये थी कि मेरे जो लोग थे जो मेरे से एज में कम थे हाँ वो मेरे बॉस थे जिनको मेरे से एक्सपीरियंस कम था वो भी मेरे बॉस थे क्योंकि मेरे साथ मेरे मोटोरोला का एक्सपीरियंस था उसको काउंट नहीं किया गया तो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी उस समय कि भाई क्या यू नो दिस इज नॉट फेयर लाइफ इज नॉट फेयर Then I said, ठीक है, let's see where it goes. तो फिर हम करते रहे 2006 में मैंने वो फर्म छोड़ दी क्योंकि उस समय अर्नेस्ट एंड यंग थी वो फर्म क्यों छोड़ी है दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट उस समय मेरे को लगने लगा कि जो मेरे आसपास लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं दे आर नॉट एज गुड एज आई एम मतलब मुझे लगता था कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ वो नहीं करते उतना मेहनत और उनको कम मेहनत करके भी ज्यादा रिकग्निशन मिलता है I said, this is not the firm that I want to work with, right? And I learned that lesson in my life that it's not always what you are, but it's also about what is your surrounding. In other words, agar aap aise logon ke saath kaam karenge, jo incompetent hain, ya phir jo aapki tarah nahin bhaag sakte, aur aapko lagta hai ki nahin, you should always try and work with people who are better than you, right? Anywhere. तो आप ऐसे स्कूल में जाएं जहां आपको लगता है कि आपके जो साथ में जो काम कर रहे हैं वो आपसे बेटर है अगर आप कंसिस्टेंटली अपने क्लास में फर्स्ट हो रहे हैं ठीक है तो देर इज अ प्रॉब्लम विथ यू फ्रेंकली देर इज अ प्रॉब्लम विद दैट इकोसिस्टम देन यू हैव टू फाइंड अ वे टू चैलेंज योर सेल्फ तब आप अपने स्कूल तक मत रुकिए आप बोले कि अच्छा मैं यू नो आई डू ग्लोबल ओलंपियाड और व्हाटएवर बिकॉज व्हाट हैपेंस इज इफ यू आर नंबर वन ऑलवेज then you don't have anybody to look up to right you have to find yourself to challenge yourself right rishi singh is saying something rishi bataye aap kuch bol rahe the ha sir I want to say something that if you are the topper of the class then you are in the wrong class that's what you are saying now consistently if you are a topper in your class consistently सारे सब्जेक्ट में आप फर्स्ट आ रहे हो आपको स्टेज पे बार बार खड़ा कर दिया जाता है कि आप ही बोलो आप देन आपने अपने आप को चैलेंज कैसे करोगे आपसे अगर कोई बेटर नहीं होगा तो आपको लगेगा कि यू नो योर कंप्लेसेंसी विद सेटअप राइट सो माय एडवाइस इज दैट आई एम नॉट सेइंग दैट बीइंग अ टॉपर इज बैड ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू हैव टू देन फाइंड समथिंग एल्स टू चैलेंज योरसेल्फ move beyond your school to say okay I will do something at district level if you are good at district level I'll do something at state level if you do very good at state level I'll go do something at national level right don't get complacent and that's what I learned and that is one of the big good decision that I took in my life in 2006 that I left ENY Ernst & Young and joined a firm called KPMG there I you know 2006 mein humne join kiya us samay to ek hierarchy hoti thi senior manager पोजीशन पे ज्वाइन किया मैंने तो बिग फोर में क्या होता है मैनेजर सीनियर मैनेजर डायरेक्टर पार्टनर सीनियर मैनेजर से पार्टनर बनने में यूजुअली आपको आज की रेट में कम से कम 7-8 साल लगते हैं ठीक है उस समय भी 6-7 साल लगते थे 2006 में मैंने ज्वाइन किया केपीएमजी एज अ सीनियर मैनेजर सेम ईयर आई गॉट प्रमोटेड एज अ डायरेक्टर इन 2008 आई बिकेम अ पार्टनर तो जो 8 साल का सफर है 7-8 साल का सफर वो मैंने 2 साल में किया ठीक है I realized my lesson number 4 or 5, whatever that lesson number is, that life is not about short term. Life is about long term. Because when I was in Anderson, as I told you, I was frustrated that my junior also came out of me. But I waited patiently.
ओके मेरा बेटा ने आज मेरे को मेरा बेटा आपके साथ कुछ देख रहा था मैं नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने बोला उसको बढ़ाओ बढ़ाओ, उसको कुछ गाना आ रहा था बीच में, साइना एक मूवी है वो देख रहा था मैं, तो मेरे को मेरा बेटा बोलता पेशेंस इज द की टू विक्ट्री, मैंने बोला हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला तुमने, तो पेशेंस इज द की टू विक्ट्री राइट, सो यू यू आई वाज पेशेंट इनफ टू से कि आई विल बाइट फॉर माय टाइम, आई विल वेट फॉर माय टाइम फॉर दिस टू हैपन। तो 2008 में मैं केपीएमजी में पार्टनर बन गया, वन ऑफ द यंगेस्ट पार्टनर वाज एट दैट पॉइंट टाइम, आई वाज 32-33 at that point in time, and I became partner in KPMG. That was considered to be a big one. I came, I remember, I, jab hum 2008 mein jab hum ghar aaye, aur jab maine bataya apne mummy papa ko ki bhai main partner ban gaya hu, both of them started crying. My father, my mother, everybody started crying. I lost my father last year, but I was just remembering this, that what, how proud he was, and how proud my mom was, at that point in time, that they started crying. We went to a restaurant. Meri beti bahut choti thi us samay, to wo bahut ro rahi thi, pata nahi for some reason. To usko hum restaurant mein khana bhi nahi kha paaye aur wapas aana pada. But 2008 ki baat hai. 2008 mein hua, uske baad I worked there till 2015-16, where I got this opportunity in PwC. So KPMG mein kya tha ki main दिल्ली में था, पार्टनर था अपने अपने फील्ड में, जो जीएसटी प्रैक्टिस होती है, जीएसटी का नाम सुना होगा आपने, कोई जानता है जीएसटी क्या होता है? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अरे करेक्ट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाँ अरे वाह क्या बात है, आप सीए बनने वाले हो बॉस, मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं बनोगे सर, चलो ठीक है, अब सीए को ना कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता सुधांशु, मैंने देखा है, मैंने मेरी बेटी अभी 12th किया उसने, तो मैंने उसको पूछा था कि भाई एक साल पहले मैंने पूछा कि क्या बनना चाहती हो, तो बोलते पापा कुछ भी बनूंगी मैं, लेकिन सीए नहीं बनूंगी। पता नहीं क्या यार, क्योंकि सीए का रिस्पेक्ट होता था हमारे जमाने में यार, अब तो है ही नहीं, अब तो अपने को रिस्पेक्ट देने के लिए चार्टर लगाना पड़ता है आगे, मतलब आप देखो किसी भी प्रोफेशन में, जब डॉक्टर है इंजीनियर है तो उसके पहले कुछ नहीं लगाते हैं, सीए में इज ओनली प्रोफेशन जहाँ अकाउंटेंट को बोलना पड़ता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है अपने आप को रिस्पेक्ट देने के लिए, कोई बाकी रिस्पेक्ट करता नहीं है। So anyway, so 2016 I got this opportunity in PwC to lead the GST practice. ठीक है, तो मैं normal एक partner था KPMG में, अब मेरे को यहाँ पर 20-25 partners की team थी, उस समय 200-250 लोग थे 2016 में, तो हमको lead करने का मौका मिला, तो फिर मैंने बोला अभी KPMG से मेरे को कोई problem नहीं थी, but मैंने सोचा कि भाई अब मेरे को बड़ा opportunity मिल रहा है, तो let me play with the so I also learned a lesson that time that As far as your career is concerned, you should be very selfish. भाई देखो आप किसी के लिए ना, आप किसी मानवता के लिए काम तो कर नहीं रहे हो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, right? अगर आपको लगता है कि आपके लिए better opportunity है, तो don't get too emotional about कि नहीं यार ये तो यहाँ इतना मेरे को इस मिला है, you know you have to play at a bigger level. 2016 में जब मैंने join किया PwC, हम 200 लोग थे हमारे मेरी team में, right? फास्ट फॉरवर्ड 2017 में जीएसटी आ गया, टीम बड़ी हुई, आज की रेट में हमारी टीम मेरी टीम में 650 लोग हैं, 650 अक्रॉस इंडिया, नाउ थिंग्स आर स्टेबलाइज्ड, आई एम नॉट श्योर व्हाट विल आई डू वांट टू डू नेक्स्ट, ओके आई डोंट नो व्हाट विल आई वांट टू डू नेक्स्ट, बिकॉज ये 4-5 साल हो गया, मेरे को मजा नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि कुछ और करना चाहिए लाइफ में, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि भाई मेरे को ना शुरू से बड़ा एक शौक था कि मैं कुछ लिखूं, कुछ यू नो क्रिएटिव मेरे को मन था करने का, तो आई स्टार्ट माय राइटिंग अ ब्लॉग इन 2015, सुधांशु आई विल सेंड यू द डिटेल्स, ब्लॉग का लिंक, इट्स कॉल्ड my2.5cents.com, mytwon फॉर नागपुर halfcents.com, सो वो ब्लॉग मैंने शुरू किया लिखना, उसके बाद करीब 2-3 साल पहले मेरे को एक शौक चकराया कि भाई मैं अपने किसी कॉन्फ्रेंस होती थी अपने फॉर्म में, तो मैं माइक लेकर के कुछ जोक्स वोक सुनाता था, तो किसी ने बोला कि भाई आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों ट्राई करते हो, किसी को पता है स्टैंड अप कॉमेडी क्या होती है, पता है किसी ने देखा है यूट्यूब पे, यस सर यस सर आई लव दिस, किसका देखा है, राहुल राजपूत, राहुल राजपूत या राहुल सुब्रमण्यम, अच्छा राहुल राजपूत, ओके हाँ, और किसका देखा है, जाकिर खान, जाकिर खान करेक्ट,
Sir, I've seen most of the stand-up comedies from like Habitat Mumbai. Like Habitat Mumbai had a lot of stand-up comedians. Akash Dudeja. Akash Dudeja nahi hai, beta. वो है आकाश गुप्ता है और डुडेजा yes, दूसरा है डुडेजा सिद्धार्थ सिद्धार्थ डुडेजा सर अभिषेक उपमन्यु अभिषेक उपमन्यु सारी लड़कियों का फेवरेट है बेटा सारी लड़कियां सारी लड़कियां मरती हैं उसको तो एनीवे तो सो हां दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो 2018 में हमारा जहां ऑफिस था वहां पर गुड़गांव में वहां नीचे में एक कैनवस लाफ क्लब था एक क्लब था तो हमने बोला चलो ट्राई करते हैं तो बोला कि आपको हमने बोला कि आपको कॉमेडी करनी है तो उन्होंने बोला अच्छा आपको ऑडिशन करना पड़ेगा तो उन्होंने अच्छा ऑडिशन करना पड़ेगा तो करते हैं ऑडिशन तो उसमें क्या होता था ऑडिशन में 4 मिनट का टाइम होता था आप स्टेज पे रहिए जोक सुनाइए और तो आई वॉज इन माई 40s दैट टाइम राइट एंड ऑल द गाइस दैट यू टॉकिंग अबाउट अभिषेक उपमन्यु एंड ऑल दैट दे आर ऑल 25 26, right? So they're all, of course, much younger than what I am. And लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार ये अंकल टाइप का आदमी पता नहीं क्या कर रहा है आकर के अपनी भी बेइज्जती करा रहा है हमारी भी बेइज्जती करा रहा है तो आई सेड ये करना है तो करना है तो एनीवे ऑडिशन हो गया तो उसके बाद फिर मैंने शुरू किया ओपन माइक्स बोलते हैं उसको ओपन माइक्स में अगेन 8-10 लोग होते हैं आप जाइए अपना जोक सुनाइए तो कुछ टाइम लोग हंसते थे कुछ टाइम नहीं हंसते थे कुछ टाइम तो 4 मिनट में स्टेज पे होता था एक आदमी नहीं हंसता था नॉट इवन 1 पर्सन यूज्ड टू स्माइल ओके एंड उस समय स्टेज से निकल के मेरे को लगता था यार ये कि नसी काट लूं यार मरी जाऊं मैं इतनी इतनी बेइज्जती के बाद क्या क्या फायदा जीने का एनीवे दैट स्टार्टेड देन वो फिर क्लब बंद हो गया फिर मैंने 2019 में अपना एक शो शुरू किया अपना 2-3 लोग मिलकर एंड देन Then I started doing my solo shows. So some online shows I did last year, Zoom shows, etc. Then I started doing. So the initial stage, pe, we don't know where it will go. I don't know whether I'll become a famous comedian, whether I will not. But that is not important. What is important is that what I want to tell you, two things I'll tell you. And I think when I already these punishment daily, so bas 5 minute aur aap mere saath बर्दाश्त करें मेरे को तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इट डजंट मैटर वेदर आई बिकम अ फेमस कॉमेडियन और नॉट इट डजंट मैटर वेदर आई बिकम अ फेमस ब्लॉगर आई आल्सो डू पोएट्री कविता विद दैट इट डजंट मैटर व्हाट मैटर्स इज दैट व्हाट आई एम डूइंग इज समथिंग दैट आई लाइक राइट इफ आई कैन इफ लास्ट ईयर नहीं 2020 लास्ट ईयर हुआ ना लास्ट ईयर मार्च में लास्ट ईयर मार्च में आई वेंट टू बॉम्बे एंड देयर आर टू फेमस कॉमेडियंस अतुल खत्री एक राहुल सुब्रमण्यम तो एक बहुत बड़ा हॉल है वहां पे 2000 लोग थे वहां पे उसमें मैंने होस्ट किया था तो होस्ट में क्या होता है कि आप पहले आते हो आप कुछ जोक सुख सुनाते हो फिर आप मेन जो कॉमेडियन है वो आता है तो 2000 लोग एक साथ आपके जोक्स पे ताली बजाते हैं ना तो वो जो फीलिंग आती है वो डिफरेंट फीलिंग है राइट एंड दैट इज समथिंग व्हिच गिव्स मी अ किक सो इट डजंट गिव मी अ किक दैट नाउ इन पीडब्ल्यूसी इफ आई दे प्रमोट मी एटसेट्रा एंड आई बिकम अभी जीएसटी प्रैक्टिस लीड कर रहा हूं उसका टैक्स प्रैक्टिस में का अगर मेरे को हेड बना दे मेरे साथ ऐसा हुआ था 3-4 महीने पहले मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा प्रमोशन होगा बट प्रमोशन नहीं हुआ फॉर व्हाटएवर रीजन एंड आई वाज अ लिटिल अपसेट फॉर अ वीक और सो बट देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू in next 3-4 years, hopefully, I want to just retire and do full-time comedy. I don't know whether I just want to go and talk to people. I have no idea what I'll do. But please, my biggest lesson in life is, please do something which you like, other than your work. So, aapko jo pasand hai, agar aapko tabla bajana pasand hai, aapko gaana gaana pasand hai, aapko poetry karna pasand hai, agar aapko जिम का शौक है आपको बहुत अच्छा आप कुछ खेलते हो उसका शौक है प्लीज डू नॉट लीव दिस बिकॉज दैट विल कीप यू इन गुड स्टेड अब आप जाओगे 11-12 करोगे उसके बाद पढ़ाई करोगे उसके बाद कहीं नौकरी करोगे जो भी करोगे बट यू नीड टू हैव समथिंग टू कीप यू अलाइव एंड किकिंग अदर देन योर वर्क देर आर वेरी फ्यू पीपल हु देयर वर्क बिकम पैशन
like Tiger Woods, right? वो golf खेलता है, golf उसका passion है, golf उसका काम है. लेकिन वैसे लोग बहुत कम होते हैं. वैसे लोग हजार लाख में एक मिलेंगे आपको. तो work is unlikely to become your passion, right? So please keep something which helps you go, right? Two more quick things which I have learned. Take care of your health. I keep telling to my kids, we did not, at हमारे time पे क्या ना था ना कि थोड़ा life different था, because हमारे पास phone नहीं थे, smartphone नहीं था, internet नहीं था, तो हम बाहर जाते थे, कुछ ना कुछ करते थे, खेलते थे. अब आप लोग के पास बहुत कुछ electronic gadgets हैं, आप बाहर नहीं जाते हो. आप अपने health का ख्याल रखो, वो बहुत important है. बिकॉज जैसे जैसे आप बड़े हो गए, आपको realize होगा कि अगर आप health का अपना ख्याल नहीं रखते हो, सिंपल सिंपल चीजें कि भाई आप अगर 15-20 मिनट बैठे हो, आप थोड़ा वॉक करके आ जाओ, कुछ एक घंटा कम से कम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो, एटसेट्रा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर निगलेक्टिंग टुडे. सो डोंट डू दैट. लास्ट पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज आर एवरीवेयर. ठीक है, तो कुछ लोग शायद, अगर आपके पास क्वेश्चन है कि भाई मैं सी ए करूंगी नहीं करूँ, मैं ये करूंगा नहीं करूँ, आप कुछ भी करो. माई डॉटर हैज जस्ट गॉट एन एडमिशन इन सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी इन स्कॉटलैंड. तो वो बिजनेस स्टडीज या कुछ कर रही है, बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स का कुछ कोर्स करेगी वो. एंड आई डोंट नो व्हाट शी विल डू, फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाट शी विल डू. डोंट थिंक कि नहीं मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये काम करना है. डू व्हाट यू वांट टू डू, एंड वेर एवर वट एवर यू डू देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश बहुत पसंद है, मैं तो आप अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो, आप इंग्लिश ऑनर्स करो, बिकॉज उसके बाद भी ऑप्शन, यू कैन गो इनटू टीचिंग, यू कैन गो इनटू एक्स वाई जेड, राइट? देयर इज होल लॉट ऑफ ऑप्शनिटीज. 20 साल 25 साल 30 साल पहले व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, उस समय ऐसा नहीं होता था. उस समय लोगों के पास ये था कि मैं या तो इंजीनियरिंग कर लूँ, या मेडिकल कर लूँ, या IAS बन जाऊँ. हमारे पास ऑप्शनिटीज नहीं थी. आपके पास ऑपरचुनिटीज हैं. आजकल लोग बहुत तरह तरह की चीजें कर रहे हैं. माइक्रोबायोलॉजी कोई कर रहा है, कोई स्टैटिस्टिक्स में कुछ कर रहा है. So whatever you do, there is opportunities everywhere. But try and become better and better in whatever you do, right? So don't think too much about this. Don't over-rationalize. I have not thought about my life. If 30 years ago, if somebody would have told me that today you will stand here, I don't know. Whether I didn't know at that point in time. I never thought. But there are people who think about this. Mera ek friend hai, wo celebrity chef hai, bahut bada chef hai. Ek, aap Google karenge usko, uska naam Manish Mehrotra hai. वो यहाँ इंडियन एक्सेंट का चीफ शेफ है और बहुत टॉप 3-4 शेफ्स में इंडिया में. वो 10th के बाद ही बोलता था कि मेरे को होटल मैनेजमेंट करना है और मेरे को शेफ बनना है. बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नॉट नो व्हाट यू वांट टू डू, एंड इट्स परफेक्टली फाइन नॉट नोइंग व्हाट यू वांट टू डू. बट व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट ट्राई एंड कीप गेटिंग बेटर इन दैट. सो दैट्स वेयर माय लाइफ इज राइट नाउ. एज आई सेड, it's not a very inspiring story, but it is story. It was, in fact, we felt like listening to you all throughout. Very refreshing. In fact, you know, we are living in an age where there is so much of competition and there is so much of pressure, and especially the students, they always are under constant pressure to perform and to go into certain field. So it was very refreshing to hear from you. About the things that you said, about to follow what you really believe in, about to do the things that you really like, which actually makes life worthwhile, makes life, you know, you feel like, okay, there is reason for you to live. But that thing, it was very refreshing to hear your story, the way you put it. And the fact that you said some of the things that you said was really like, never underestimate yourself. These are there are so many times that each one of us as students, as a people, whichever areas we are in, we somehow sometimes at point of time we feel like, oh, maybe they are better than them. We feel dejected. So it was really nice that the fact that we should not underestimate ourselves, and there is opportunity if we try. I have a question, and students, if you have a question, please put up your question to sir. And like one question is, was there any risk that you took? That what was the biggest risk that you have ever taken in your career or in your life in any way? Look, I've taken risk all along. I think without realizing that, okay, I'm taking a risk, but I have taken a risk, right? I mean.
I came from a very humble background, right? So I मेरे माँ बाप के पास ना पैसा नहीं था बहुत ऐसे हम so when I took the first thing that to say that I will do a CA for example at that point in time that was a big risk because nobody knew at that point in time chartered accountant होता क्या है क्या scope है क्या है etc. I left Delhi came back here then I जब मैंने पहली अपनी नौकरी Motorola छोड़ी थी तो उस समय मेरे को 3 lakh rupees मिलते थे साल के और then I joined ENY at that point in time at a lower salary 2.4 lakh rupees per year right that time I took a risk because I left something which was good Motorola at that point in time was number one company in India mobile mein us samay usko chhodna bahut badi baat thi us samay I took a risk I got married when I was 24 I took a big risk there I you know I that point in time there was I had a girlfriend who ditched me who dumped me and I was emotionally very 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 vulnerable but then I just got married I got married at 24 I had my first my daughter was born when I was 27 that was a risk as well right because you never know emotionally how will you fare that was a risk at every stage I have taken risk to my mind today I am taking the biggest risk of doing something which is an uncharted territory I mean how many people in their mid 40s will try something at stand up comedy right so I'm taking a risk who knows I'm tomorrow I can just leave my job and become a full time stand up comedian so so you take risk at various points in time I think I have taken enough I think it's important for you to take risk but you have to take calculated risk and you have to also see whether you are taking a risk without having that skill set तो अगर आज मैं बोलूं कि यार मेरे को तो क्रिकेटर बनना है और मेरे को नहीं आता क्रिकेट खेलना तो फिर मैं सब कुछ छोड़ करके मैं उन्होंने क्रिकेट खेलना है तो वो बेवकूफी होगी राइट सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक देयर बट यू हैव टू टेक दिस या राइट सर आई विल ओपन दिस फोरम फॉर द किड्स इन केस किड्स यू हैव क्वेश्चंस यू कैन रेज हैंड्स आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन सो इट बिकम्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एंड एवरीबॉडी इज क्लियर व्हाट वी आर हियरिंग टू एनीवन हु हैज अ क्वेश्चन टू आस्क Raise hands. Anyone who would like to ask anything? It looks like everybody liked Sir's talking. सबको लग रहा है भैया शांत है छोड़ दो जाकर के कुछ और करने दो कहाँ भाषण सुना रहे हो Anyway, okay. Anybody ask wants to ask a question, please feel free. If you don't have a question, you just have a comment. कुछ ने रेज किया है हैंड होल्ड ऑन या सर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है लेकिन सर मैं एक मूवी सजेस्ट करना चाहूंगा आपको हां बताएं सर विप्लैश एंड विप्लैश इट्स अ हॉलीवुड मूवी अच्छा ओके 2014 विप्लैश ओके इफ यू कैन पुट दैट इन द चैट या नेम इन द चैट प्लीज कैन Okay. आजकल तो मूवी में पिछले 15-20 दिन से क्वारंटीन था तो इतना मूवी देखा मैं नेटफ्लिक्स पे कि मैंने पीएचडी कर लिया नेटफ्लिक्स पे one question sir what is the one habit that you felt that you helped you become who you are that one habit in you that you felt made you who you are one habit यार मेरे को लगता है एक चीज जो मेरे को हेल्प किया वो था कि आई यूज़ टू राइट राइट तो मैं अपना लिखता रहता हूँ मतलब वो बहुत हेल्प करता है जैसे अभी ये राइट सो ये मैं क्वारंटीन में था तो मैं लिख रहा था कुछ अगर आप वुड यू लाइक टू शेयर इट विद अस सर वी वुड लव टू हियर इट सुना दूं मैं आपको बोर तो नहीं हो गया एक मिनट का ही है बस ज्यादा we are all enjoying sir please don't think otherwise we are just like Shruti also has a question just take that question and then sir you can just read out that what you have written okay. fine yes Shruti Vaibhav ask your questions one by one sir yes sir
if someone failed in his life, by means someone chosen a course, particular course, he want to become particular thing, and by chance he not become that. So how to regain his motivation and how to regain the courage to do another thing or another, means after that people just broke, means toot jaate hain puri tarah. Yeah, you are too young to talk about all this. Frankly, नहीं तो look, as I said, देखो दो इसको दो तीन तरीके से देख सकते हो, ठीक है? पहली बात की if you fail in something, okay, if you believe in destiny, maybe there is something better in store, and I believe that, frankly. I mean, if I look at my life and I say, अच्छा मैं IIT exam में fail किया, but that's the best thing that could have happened because I was genuinely not interested. मतलब वो मेरे को टुडे इफ यू पुट हैंड ऑन योर हार्ट यू नो वेदर यू इंटरेस्टेड ऑर नॉट आई डिडंट थिंक दैट इज अ फेलियर दैट्स अ स्टेज इन लाइफ वेयर यू आर परहैप्स देयर इज बेटर थिंग इन स्टोर फॉर यू सो दैट्स वन सो लेट मी जस्ट कंप्लीट दैट सो दैट्स वन सेकंड इज सो देयर माइट बी समथिंग बेटर इन स्टोर द सेकंड इज दैट you know, you're living in an ecosystem, right? So today, if you see IPL, right? Yesterday, De Villiers scored 3 runs on whatever, 7-8 balls. In the previous game, he scored some 60-70 runs. Now, would you say yes, he had failed yesterday? Answer is yes. But that's life. In the next match, he'll come again. And so what you have to see is that whether you're consistently over a period of time doing things which where you are doing well. So just because in one thing you have not done well, that does not mean that you won't. And as I said, last point I'll make is ki yaar opportunities bahut jagah pe hain. So mujhe nahi lagta ki aur aaj agar main apne school ka batch dekhu jis se main school mein maine pass out kiya tha, some of the best guys were doing best right now. Were not great students. In fact, my friend Vishal, right? I mean, he was never a great student, right? So, but he runs a big school now. So, ऐसा है नहीं. तो इसलिए आपको अगर आपको लगता है कि एक जगह पे आप fail हुए, there must be something better than that for you. All right, sir. We can hear what have you written, sir. एक और कोई क्वेश्चन था ऋषि श्रुति had a question no she's not there I guess all right Rajvardhan you have a question I am unmuting you yes sir so I want to ask that if I see myself as like in future if someone wants to do something which is not very acceptable in their family like for example in generally the parents they want us to be obviously be doctor or engineers but if we want to do something very which is very different like if I want to be a gamer if I want to be a professional musician or a artist in that case we don't get support from our family also and we can't go against our parents also so what should we do at that time see dekho now it's completely offbeat like a musician and all of that or a gamer I don't understand that my son also tells me keeps telling me ki main youtube pe gamer banunga ya kuch banunga yes sir mujhe kuch samajh mein thoda aata nahi hai thoda kam aata hai frankly I don't have a problem if he becomes a gamer but he should understand what exactly is the space I don't understand that space lekin dekho kuch cheeze aisi hain jisme aap normal padhai ke sath sath kar sakte ho kaam theek hai जैसे म्यूजिशियन की आपने बात की अब जितने जो बड़े बड़े म्यूजिशियन हैं चाहे आप अरिजीत सिंह से लेकर कोई भी सोनू निगम देख लो वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10th के बाद ही बोला कि भाई अब तो मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिर्फ माइक पर गाना ही गाऊंगा ऐसा तो नहीं है दे वर डूइंग व्हाटएवर दे वर डूइंग राइट सो दे वर डूइंग व्हाटएवर इंटरेस्ट देम एंड मे बी देयर आर कोर्सेज नाउ टू आप 12th कर लो मे बी लैंग्वेज में और उसके बाद फिर आप आफ्टर 12th देयर आर कोर्सेज व्हिच इज यू नो यू कैन जॉइन आई थिंक देयर आर there are graduation courses in arts and music and drama and stuff for that. There's National School of Drama and all. So you can do that side by. I mean, you can do that after 12th. But you know, I feel that some of these things can happen with your normal mainstream courses. That is something which you can consider.
talk to your parents that this is what you want to do. I think there is a huge potential here. But also, as I said, pehle baar ki, be realistic. Because agar aap ye soch rahe ho gamer banna hai, log wo dekh karke YouTube pe kuch logon ko unko lagta hai ki main gamer ban jaunga. Mujhe lagta hai ki people are getting fascinated without understanding this space that much. So be sure that you understand this space. Most of the parents now are open for their kids to do something offbeat. You need to talk to them, rationalize, and do that. I don't think it's that difficult. But some of these creative pursuits, like music and all that, you can continue with your normal thing as well. You have a lot of people who are good singers, who are engineers and doctors and something else. So you can do that with whatever you want to. मतलब एक main अगर आप कुछ कर रहे हो उसके साथ साथ भी आपके ये काम कर सकते हो और बाद में when you are a little more mature, when you are 21, 22, 23. You can start taking that as a career, not at this point. Pranil, you also have a question? Have you raised your hand? Yes, sir, I do. Yeah, please go ahead. So, as you mentioned that, I'm in my mid 40s and I'm going to try maybe full time stand up comedy and other things that make me happy and I'm passionate about, right? But I had an ideology. I'm trying to shift my ideology now. That if you want to become, you want to become anything, let's suppose I'm not feeling very comfortable sharing it right now because I'm not sure that I'll go into that stream. But I said that if I wanted to become that, I have to try in a young age. That means I wanted that to happen in my 20s or my mid 20s, and I wanted to have that. I talked to my parents and they said that, okay, so you want to do that and I'm absolutely okay with that, but the thing is that you also have to be rational about it. You also have to be practical. First you do first you do your complete your school, you complete your courses and all, have a stable and a second plan, something like that, plan B or something. If that doesn't work out, then you have something else with you that you can sustain with and sustain happily with. That means you can have enough to sustain your life as a well-to-do man. But and then afterwards you can do that. That will take a lot of time. Again, I will reach to my 50s or my mid 40s while doing that. So I'm trying to just console myself that, okay, maybe it will work out. Maybe if I'm in my 40s again, but that will work out. But it isn't that idea is not fitting in my mind that why shouldn't I try it when I'm in my 20s or my early 30s. यू शुड आई मीन देखो अभी ना आप इसको लाइफ को स्टेज में लेके चलो. एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, अगर इफ यू आर गुड एट समथिंग लेट्स से इफ यू आर वेरी गुड म्यूजिक फॉर एग्जांपल, यू आर ग्रेट सिंगर, राइट, चांसेस आर दैट यू विल डू वेल. ओके, अभी आप स्टेज देखो लेके चलो कि देखो मेरे को 12th तो करना ही है, 11th 12th तो करना है, उसमें तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप 10th के बाद छोड़ छाड़ के बोलोगे मेरे को जो भी करना है एक्स वाई जेड मैं करूंगा. 12th तो करना ही है, तो 12th में आप कुछ ऐसा लेके चलो. एंड आई एग्री विद योर पेरेंट्स. देखो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वेयर योर पेरेंट्स आर कमिंग फ्रॉम. वी आर नॉट अ कंट्री वेयर वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. हमारे पास ऐसा है नहीं कि भाई लोगों को सरकार पैसा देगी घर पे बैठने के लिए, बेरोजगार होंगे तो ऐसा होगा, या फिर यहाँ पर उतनी ऑपर्चुनिटीज नहीं है जो अगर आप मान लो गेमर बनना चाहते हो, इस टाइप की चीजें कि उतनी ऑपर्चुनिटीज इंडिया में नहीं होंगी शायद. तो आपको 12th आप अच्छे से करो, ठीक है. उसके बाद अगर आप देखते हो 12th के बाद अगर आपको ऐसा कुछ ऑपर्चुनिटी मिलता है जो लगता है आपको ये कोर्स करने से आपको इसमें हेल्प होगा, एंड इफ यू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट दैट, आई एम श्योर दैट दे विल अग्री. इवन इफ दैट डजंट हैपन एंड यू डू अ ग्रेजुएशन, यू स्टार्ट डूइंग समथिंग व्हिच यू लाइक एट 20-21, वेल यू कीप डूइंग दिस नाउ, राइट. अभी अगर आप करते रहोगे, जैसे म्यूजिक इज वन एग्जांपल, एंड यू कीप डूइंग दैट नाउ एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यू कैन मेक अ करियर लेटर. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एंड आई एज आई सेड यू नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव डन थिंग्स इन देयर 40s एंड 50s. आई मीन बोमन ईरानी फॉर एग्जांपल, ही स्टार्टेड हिज करियर व्हेन ही वाज 55 or so. Right? Or 50s mein tha wo, jab usne apna acting career shuru kiya tha. And then a whole lot of other people. So I think take it in stages. First do 12th, don't think about too much.
keep doing whatever you're talking about as an aside. एक बार आपने 12th कर लिया, आपको कितने मार्क्स आए, keep exploring. कि उसके बाद मैं क्या करूं, ऐसा क्या कोर्स करूं जो मेरे को हेल्प करेगा मेरे करियर में. Then talk to your parents and I'm sure you know they will be considerate to it. That was well taken, sir. Shivam, do you have a question? You have raised your hand. Yes, sir. Yeah, please go ahead. Sir, I want to ask that you have mentioned in your story that when you was working for Motorola, you were सर एक चीज की कमी थी कि आपको एक्सप्लोजर नहीं मिल पाया था, तो वो उसके वजह से आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा था. तो उसके लिए हम लोग को अभी के स्टेज से क्या करना चाहिए कि हम लोग को ऐसा एक्सपोजर मिले कि हम लोग को नया ना लगे कहीं भी बाहर जाने पे या फिर किसी कंपनी के किसी फर्म के लिए वर्क करने पे. बिफोर सर सेज एनीथिंग, शिवम, गुड दैट यू स्पोक अप इन योर कंफर्टेबल वे. गुड, थैंक यू सर. दैट्स अ फर्स्ट थिंग, राइट शिवम? Like Sudhanshu said, asking questions, right? And that's where perhaps I'll act. अब तो थोड़ा ज़्यादा exposure मिल रहा है लोगों को. मेरे को याद है जब मैं पहली बार Anderson joining किया था, client 15-20 लोग थे, उनके सामने मेरे को कुछ present करना था. मैं तब you know I was stammering, I was not able to speak. मेरे दोनों कान बिल्कुल लाल हो गए थे, मैं नहीं बोल पा रहा था. But then after that I said कि यार any opportunity I got I said, yeah, मेरे को करना है, मेरे को आप प्रेजेंट करने दो. मैंने अपने बॉस को बोलता था कि यू जस्ट बी देयर, अगर मेरे से गड़बड़ होगा तो देन यू कम इन, लेट मी प्रेजेंट, राइट? बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट बेटर इन दैट, राइट? तो आई टुक दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई स्टार्ट डूइंग इट. नो रॉकेट साइंस. सारे लोग जो है दुनिया में वो हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं. कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई IQ लेकर के आया दुनिया में. और यू नो बींग फ्रॉम बिहार, आई मीन पीपल have a certain notion when you go out, but they also, that notion you can break very quickly because you know that Biharis are more intelligent than others, right? So just keep looking for an opportunity. Read as much as you can. You know, be aware kya ho raha hai duniya mein. Read as much as you can. Have a point of view and don't be afraid of taking that point of view. Right? I think Arshi. Arshi? You have a question? Yes. First of all, good afternoon, sir. I hope you and your family are in good and healthy condition. Thank you. Yes. You have a question? Arshi, you went on mute again. Arshi, what is your question? Ask your question, Arshi. Yes. So I'm asking that without sacrificing, we can't be a good person what we wanted to be. It is necessary to sacrifice everything to be a person what we wanted to be. Because I have heard many stories about people, they sacrifice a lot and they are what they are wanted to be today. You know, frankly, I think you are quite blessed right now in today's generation that you don't need to do lot of that sacrificing. You know, your parents have done most of it for you, right? Of course, I mean, if you have to study for IIT, you have to sacrifice Instagram, for example. You know, you can't be on Instagram for 4 hours a day and say, okay, you know, I will go for IIT, right? So that's not a sacrifice. That's something which you plan ahead, right? I don't think you are in a situation right now where you really need to sacrifice a lot. Yes, you need to find a balance. You need to have your priorities right. If you have that, and of course there would be situation where that moment could come where you might need to sacrifice. For example, you're very comfortable right now with your parents in Patna and tomorrow something you want to do for which you have to go to US and stay alone. So that stage will come, but you know, ki kitna hum aapka andar resolve hai. So those stages will come. I mean, there are a lot of stories that we can share, but and that when that stage comes, you will take a call. But you are in a very blessed condition situation right now. Most of your sacrifices that you're talking about have been done by your parents and your grandparents. You don't need to worry about that. All right, sir.
Thank you, sir. Aman, this will be the last question we will take. Let sir also relax. Sir has been talking for a long time. I'm just any questions karne do yaar, wo question karne do, ek do questions karne do, koi dikkat nahi hai. Let. Okay, Aman, I'm unmuting you. Yes, sir. Sir, as a commerce student, I want to ask you that have you invested in share market, sir? If yes, sir, what is your experience? Yes, I have. Mostly, I'm a long-term investor and I do through mutual funds. That's what I am doing on every month basis. I invest something. Aur kuch cases mein maine punt bhi liya ki bhai maine pre-IPO इन्वेस्ट किया मैं आईपीओ आने के पहले आपके कुछ शेयर्स अलॉट होते हैं तो लेकिन वो मेरे शेयर्स बहुत अच्छे नहीं चले उस समय बिकॉज लेमन ट्री फॉर एग्जांपल मैंने खरीदा था उसका कोविड आ गया तो होटल शेयर्स सारे डाउन हो गए माय पर्सनल एडवाइस इज दैट यू शुड इन्वेस्ट बट यू शुड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट लुक एट यू नो कि आज इन्वेस्ट किया था तीन दिन बाद में बेच दूँ और पैसे कमा लूँ वैसा बहुत कम लोग कर पाते हैं तो आप इन्वेस्ट करिए आप अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में तो आपको 12-14% का रिटर्न जरूर आएगा विच इज मच मोर देन द बैंक इंटरेस्ट एक्सेट्रा दैट यू गेट सो आई कीप इन्वेस्टिंग आई सोल्ड अ लॉट ऑफ शेयर्स 3-4 months अगो बिकॉज मेरे को अपने फ्लैट जिसमें मैं रहता हूँ वो उसका लोन प्रीपे करना था तो आई सोल्ड इट एंड आई सोल्ड इट अ गुड टाइम आफ्टर दैट शेयर मार्केट हैज कम डाउन बट इंडिया स्टोरी इज वेरी रोबस्ट इंडिया में शेयर मार्केट अगर अभी 50,000 पे है लोग बोलते हैं अगले 3-4 साल 5 साल में 1,00,000 पे सेंसेक्स पहुंच जाएगा तो इफ यू कीप इन्वेस्टिंग डू दैट फॉर द लॉन्ग टर्म सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज बेटर इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट लाइक यू नो आई एम स्टिल फ्रॉम सृष्टि फ्रॉम अ जनरेशन वेयर आई डोंट अंडरस्टैंड क्रिप्टो मार्केट एट ऑल आई डोंट टच दैट आई थिंक Whatever I have read, whatever I understand about crypto is a more looks like more like a bubble to me. In India, I don't know whether it's legal, not legal. A lot of my friends have lost money in crypto market, so I'll go with tried and tested, which is the share market and in good companies, which give you you know you are you know you can do some analysis and find out which are those. Actually, nowadays I'm learning about more about crypto market and I'm thinking about it. It's good. थोड़ा थोड़ा कर दो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 50 रुपए इसमें कर दो 50 में कर दो अभी तो आप यंग हो तो यू नो इन आवर वर्ल्ड देयर इज अ सेइंग दैट फेल फास्ट एंड फेल ऑफन राइट सो यू फेल ऑफन राइट सो इन्वेस्ट इन क्रिप्टो और व्हाटएवर यू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इफ यू सक्सीड्स गुड इफ यू फेल नो प्रॉब्लम यू विल लर्न फ्रॉम इट सर यस सर इन इंडिया इनसाइड ट्रेडिंग इज लीगल No, illegal. Not legal. अगर आपने वो अभिषेक बच्चन वाली मूवी देखी है और उसके हिसाब से आप बोल रहे हो तो वो पुरानी टाइम का दिखाया है उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स आ गए तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज एब्सोल्युटली इलीगल विच बेसिकली मीन्स इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली मीन्स कि आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है जो पब्लिक के पास नहीं है और आपने उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट किया शेयर मार्केट में तो आपको जेल हो सकती है और हमारे जैसे फॉर्म में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज पीडब्ल्यूसी ऑडिटर है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का तो हम नहीं इन्वेस्ट कर सकते जिसमें हम ऑडिटर हैं या हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है अगर मैं किसी कंपनी का कंसल्टेंट हूँ मेरे को पता है उसके रिजल्ट्स आने वाले और मैंने उस पर इन्वेस्ट कर दिया तो वो उससे हमको नौकरी से भी निकाला जा सकता है और हमारे अगेंस्ट लॉ के अगेंस्ट भी लॉ में भी एक्शन हो सकता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग इज एब्सोल्युटली इलीगल डोंट गो विद दैट मूवी व्हिच इज फॉर द पास्ट पीरियड Good one, sir. It was indeed a wonderful time, sir. Thank you. Amna ma'am, over to you. Yes, sir. It was very enlightening to hear from you, sir, the entire thing. And you were so so mesmerized with the whole story and the way you went and how the decisions that you took. It gave us a lot of inspiration on the decisions that we will take, and the students I'm sure have learned a lot, and there's still so many I'm sure you would like to spend more time, but I think we are learning short of time. The few things that I really took from you was like never underestimate yourself, and patience is the key to victory, and we must be consistent in what we do,
and explore and keep challenging. Another one very essential thing that sir shared with us is keep challenging ourselves from time to time, not let ourselves like take it as a thing, like let us explore what we are good at. Thank you very much, sir, for taking out time. And that's it, sir. Thank you very much. I hope we will have more sessions with you, and the students can even like learn more things from this and benefit from this. Thank you. Thanks a lot for your time. See you. Thank you, professor. It was a wonderful session, sir. Thank you so much. Thank you so much.